तो ये जो पेट्रोल पंप है ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। जबरदस्त नजारा है, उम्मीद नहीं कर सकते इतना सुंदर है ये जगह। उम्मीद से परे इतना सुंदर कुछ नहीं देखा। बहुत सुंदर है ये, देखिए लांग नजारा। क्योंकि हाइट बढ़ गया है यहाँ, देख सकते हैं। यहाँ बहुत बहुत बादल है फिलहाल तो, अदरवाइज हम बिल्कुल क्लियर स्काई देखते हैं। और ये जगह जो है बहुत फेमस है आपको मिल्की वे देखने के लिए, पर आज तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं सकता क्योंकि बहुत बादल है। गुड मॉर्निंग, सो टुडे इज द फिफ्थ डे ऑफ
our trip together. So yesterday we stayed in a homestay. It's a Sonam homestay. We paid 600 rupees per person, and so that also includes dinner and breakfast. तो अच्छा डील है. पता नहीं यहाँ से नीचे लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ शायद गाँव में जा रहे हैं. अच्छा, तो आप उस गाँव में भी जा सकते हैं यहाँ से. यहाँ से ट्रैक करके इट विल टेक अराउंड एन आवर सो. आप गाँव में जा सकते हैं, फिर वहाँ से आप रिटर्न हो सकते हैं. आई थिंक आप जा सकते हैं. अच्छा है. Anyways, we are not going there because we are running short of time. Maybe we want to cover more places because I think we can see the view from here already. So there's nothing spectacular over there. And jahan is samay hum khade hain, ye jagah hi aap bol sakte hain ki sabse achhi jagah hai long jump mein. Dekhiye, aur itne height pe bhi yahan pe electricity thi puri raat. Yahan koi interruption nahi tha electricity mein. पूरी रात ही बिजली यहाँ पे. और बहुत सारी चिड़ियाँ भी हैं वैसे यहाँ पे. ग्रीनरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली देयर इज शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन एट दिस साइट. बट वहाँ पे खेती है, कुछ कर रहे हैं लोग खेती. जो बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, बस इस पार्ट पे ही है और थोड़ा मोड़ा इधर उधर है और कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं. इस जगह पे भी लोग बिहार से काम करने आए हैं ज़्यादातर, बोधगया से. और वो यहाँ 5 से 6 महीने काम करते हैं और फिर चले जाते हैं वो बिहार जब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और जब यहाँ टूरिस्ट का आना बंद हो जाता है तब. अदरवाइज़ ये यहीं काम करते हैं 5 से 6 महीने. तो ये बता रहे थे कि जब ऐसा होता है कि जब सब बर्फ़ के कारण पूरा रास्ता बंद हो जाता है तो ये लोग जो हैं गाँव के लोग करीब 5 से 6 महीने का राशन जो है ग्रोसरी सब प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो 5-6 महीने यहाँ काट सकें. पर वो लोग गाँव छोड़ के नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं. और यहाँ पे 10-10 फीट तक बर्फ़ जम जाती है इस पूरे एरिया में. देखिए बहुत सारा यहाँ पहाड़ है, बहुत पहाड़ चारों तरफ जहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है जिसका हाइट ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा है. कुछ ये देखिए, ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज.